न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मंजुल मंजरी और अब बात करते हैं खबरों की। मोतिहारी में शराब कारोबारियों के खिलाफ उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि जिस घर में शराब का कारोबार हो रहा था उस पर उस घर की नीलामी हो रही है। आपको बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शराब कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया था, इसी के तहत यह कार्रवाई की गई है। मामला जिले के बंजरिया थाना क्षेत्र का है। जी, अधिग्रहण वार्ड संख्या 381/17 जो तिरकौलिया बंजरिया थाना कांड संख्या 285/17 से संबंधित था। 25/5/17 को दो अभियुक्त मंटू शाह और बिट्टू कुमार के घर से करीब 112 लीटर 300 शराब कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई। अब शराब कारोबारी पर लगाम लगाने की तैयारी में नीतीश सरकार। और ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे संवाददाता धनंजय मौजूद है फोन लाइन पर। धनंजय, एक बड़ी कार्रवाई देख सकते हैं क्या? अब शराब कारोबारियों पर लगाम लगाना संभव है? बिल्कुल, ऐसी अगर कार्रवाई अगर की जा रही है न्यायालय के द्वारा तो ये हमें लगता है कि इसे शराब माफियाओं पर नकेल कसी जा सकती है, क्योंकि बिहार का यह पहला मामला है जहां पे पूर्वी चंपारण में ये उप समाहर्ता के द्वारा शराब रखे गए भूखंड को ये नीलाम करके और नीलामी का आदेश देने संबंधी आदेश पारित किया गया है, और नीलाम करके इसकी राशि को सरकारी कोष में जमा करने का भी प्रयास किया जा रहा है। जी धनंजय, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि शराब कारोबारियों में इस खबर के बाद हड़कंप मच गया है और लाजमी भी है क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई की गई है और अब शराब कारोबारियों पर अंकुश लगाना संभव हो गया है नीतीश सरकार के द्वारा, क्योंकि जब से अवैध शराब का कारोबार चल रहा था तब से नीतीश सरकार की लगातार किरकिरी हो रही थी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।